हमीरपुर में सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हमीरपुर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकारी धन का बंदरबांट करने की डीएम से शिकायत और मामले की गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मामला हमीरपुर जनपद के सरीला नगर पंचायत का है, जहां के आधा दर्जन से अधिक सभासदों ने सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार व अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सभासदों ने डीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया कि पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार व अधिशासी अधिकारी साठ काट करके करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य एवं भूसा व विद्युत उपकरणों एवं मशीनरी की सप्लाई में भारी अनियमितताओं की जा रही है एवं फर्जी बिलों के माध्यम से लगातार भुगतान कर पंचायत एवं सरकार का लाखों रुपए का गमन किया जा रहा है। वहीं सभासदों ने इसकी शिकायत कई बार उप जिलाधिकारी से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अध्यक्ष को यह पता चला तो उससे सभासद को फोन कर धमकी दी है एवं सभासदों को नगर पंचायत में आने से भी मना किया है। वहीं सभासदों ने इस प्रकरण में जिला स्तरीय तकनीकी टीम गठित करते हुए नगर पंचायत सरीला में कराए जा रहे निर्माण कार्यों के भुगतान पर रोक लगाते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की।